दस्ता के माध्यम से जहां आम जनमानस व भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर व महिला अपराध के प्रति विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में शेरनी दस्ता की टीम ने विभिन्न स्कूलों में जाकर मौजूद छात्राओं को महिला अपराध शासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। वहीं उन्हें किसी भी विषम परिस्थिति में इन नंबरों का इस्तेमाल कर समय रहते पुलिस सहायता प्रदान कराने का वादा भी किया गया। तो आप लोग जो अपने पेरेंट्स का नंबर है, स्कूल का नंबर है, जो हेल्पलाइन नंबर है, ये आप लोग अपने कॉपी में हमेशा नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि आप लोग कहीं भी स्कूल आते हो, बैग लेकर आते हो, अगर आपके साथ मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई समस्या हो गई, किसी भी तरीके की कोई समस्या, अगर कोई पुलिस वाला दिखता है तो आप उसको बताइए, अगर आप नहीं कोई दिख रहा है आपको तो आपके पास आपकी कॉपी तो आपका बैग है, आप निकालिए, किसी से भी फोन मांगिए, आप कॉल करिए अपनी समस्या। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि जो श्रेणी दस्ता है वो एक्चुअली जो पहले एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ करता था उसी को महिला सुरक्षा दल या श्रेणी दस्ता के नाम से अभी जाना जा रहा है। ये एक दल है जिसमें महिला और पुरुष दोनों तरह के कर्मी हैं और इस दल को महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशली जो स्कूल कॉलेज के टाइम पे और जो भीड़ भाड़ वाले हमारे स्थान हैं मार्केट्स हैं वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है ताकि किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ या अभद्र घटना ना हो सके। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये प्रतिदिन निकलते हैं और अपने टाइम से जैसे स्कूल के खुलने बंद होने के टाइम पे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में भ्रमणशील रहते हैं लोग। इसके साथ ही मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम चलता है उसमें ये जो हमारा सुरक्षा दल है ये स्कूलों में जाता है और वहाँ पर बच्चियों के बीच में स्कूलों में वहाँ पर उनको जो महिला संबंधी कानून है टोल फ्री नंबर से सरकार के द्वारा जो जारी किए गए हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो जो हमारा श्रेणी दस्ता है वो हमेशा राउंड द ईयर ये काम करता है।